Good evening. किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर ये बेसिक ये चार्ट जरूरी है। मैंने अभी मेरे फेसबुक पे भी इसको अपलोड किया था, ये आप इसको पढ़िए एंड देन आपकी प्रोजेनी की कम से कम ये 5 जनरेशन है, इसमें 32 एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट है। एटलीस्ट मिनिमम इसमें से आपको 20 घोड़ों का तो पता होना चाहिए, तभी आपको ये रिजल्ट सही मिलेगा। और अगर आप इससे आगे एक जनरेशन और जानते हैं तो आपको और बेटर रिजल्ट मिलेगा। और आपको अगर लाइन ब्रीड करना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इनमें कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, फोर्थ को भी आप छोड़ दीजिए, फिफ्थ और सिक्स्थ में कोई सायर साइड और डैम साइड दोनों में आप रिपीट करेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, उसमें मैंने डैम का भी कुछ दे रखा है, आप इसको पढ़िए, जो कि बहुत अच्छे नॉलेजेबल पीपल है दे हैव रिटर्न कि आपको नॉलेज चाहिए। और ये चार्ट अपन फॉलो करें, आप जहाँ पे भी घोड़ा खरीदें प्लीज़ उसके ओनर को पूछिए कि साहब इसकी पेडिग्री, इनके फ़ोटोग्राफ्स मेरे को बताएं, ताकि आपको ये चीज़ आपको कहीं पे भी दिस इज़ एन ईरानियन हॉर्स तो ये चीज़ आपको मिल सकती है। ये हमारे पास टैलेंट था सिद्धराज, किसी सरकमस्टांसेस से हमारे इसके पास बच्चा तैयार हो गया, तो 2 होने की वजह से या 3 होने की वजह से हमने इसको दिया, लेकिन हमारे दिल से अभी भी हमारे पास है इसका ये मार्क और इसकी ये फ्रेम हमारे पास लाइफ लॉन्ग ड्राइंग रूम में रहेगी। ही इज़ वेरी वैल्यूबल टू अस। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जैसे भी मानो, ज़्यादा होने की वजह से हमको आगे पीछे देने पड़ते हैं, लेकिन हमारा दिल बिल्कुल नहीं है इनको कहीं भेजने का, हमारे पास रखें सेवा करें ये हमारा मन है। ये गिर ब्रीड है गुजरात की, मेरे को जयेश भाई जो गिर में बहुत अच्छा है घोड़ों में भी है, उन्होंने मुझे इसकी मदर गिफ्ट की थी। फिर एक नंदी हमारे को गुजरात से आया, उसकी बच्ची है, मेरे घर पे ही पैदा हुई और अभी इसने एक पहली बार बच्चा दिया, ये बच्चा भी बहुत स्वीट है। मैंने हमारे यहाँ गणेश जी करके है गुजर, उनको दे दिया ये बच्चा, गिफ्ट कर दिया बेटो जो। और इसका बाप जो, इसका जो शायर है इस बच्चे का, वो आपके गुजरात में अर्जुन करके सागवाड़ी गौशाला प्रदीप बाबू के यहाँ था, उसका बेटा समीर, उसका बेटा इसका शायर है वो बच्चे हो। ये सब मेज़ के लिए स्टेबल्स है, इसमें हम मेज रखते हैं, रात को अंदर रहती है और ये आपको दिख रहे होंगे जाली और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, ये पैंथर की वजह से प्रोटेक्टेड है। और वो हमारे स्टैलियन के स्टेबल्स है बाहर, हम लोगों के यहाँ जो प्लान है वो ये है कि वी वांट टू कीप 9 मेयर्स और करीब आप समझिए 5 स्टैलियंस, और ये 2 नए कमरे बन रहे हैं फॉर न्यू कोल्ड, साल भर तक के हम इसमें रख सकते हैं। ये जान रात को घोड़े अंदर रहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इसी जगह पे मेरे पास वीडियो बता सकता हूँ, यहाँ पर रात को पैंथर बैठा था तो आता है रेगुलर, इसलिए रात को हम इनको बंद रखते हैं, दिन में इस पैडक्स में रहते हैं बाहर। दिस इज रूप, हमारा स्टैलियन है, घर पे ही ब्रीड हुआ, इसका फादर मेरे पास था, और ये राज तिलक जो पैलेस में है उसका ग्रैंडसन है। इसकी मदर डैम जो है वो भी हमारे पास ही थी, बाका सर बलवंत सिंह जी के घर की, ताजन मेहर्स बोलते हैं एंड अच्छी क्वालिटी का घोड़ा है। इस नंबर की वैल्यू क्या है? ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, हाँ, मारवाड़ी ऑल इंडिया सोसाइटी से रजिस्टर्ड है, F31। एक्चुअली अभी आप देखो टाइम ऐसा आ गया, राइडर नहीं मिलते, अच्छे घोड़ों को एक्सरसाइज नहीं मिलती, खाली ब्रीडिंग में स्टेबल में खड़े, सफाई कर दी, खाना खिला दिया, उसी यूज़ आते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर डेली एक्सरसाइज में सवेरे इसको लॉन्ग रेंज पे ये लंबी रस्सी से पीछे लेके यहाँ से बांध देते हैं और इसको वॉक पर ले जाते हैं, उससे क्या होता है इसके हाइंड बैक और नेक ये शेप में आके इसका पूरा वेट हाइंड पर चढ़ा जाएगा,
और हाइंड से फंक्शन करता है घोड़ा, तो वो बैलेंस में बहुत अच्छा रहता है। तो हम लोगों के रेगुलर रूटीन है हर दूसरे दिन एक एक घोड़े को सवेरे आधा घंटा उस लॉन्ग रेंज पे, एक साल के बच्चे के बाद हम सबको ये लाइफ लॉन्ग ये एक्सरसाइज देते हैं। फिर हम कभी राइड भी करते हैं। लंजिंग में कम करा था, लंजिंग में क्या है कि राउंड सर्कल में प्रॉब्लम रहती है इनके पेस्टन्स में, तो लॉन्ग राइड के लिए 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर सीधे सीधे एक आदमी ने पीछे से पकड़ लिया और घुमा के ले आया। इसके कान देखिए, इसके हेड की प्रोफाइल देखो, इसकी नेक देखो, इसके शोल्डर, लेग्स, लेंथ ऑफ बॉडी, इसकी जो शाइन है, इसका जो कलर पॉइंट कट है, वो हम लोग इसको बहुत अच्छा मारवाड़ी स्पेसिमेन मानते हैं। और यहाँ जितने भी जो लेजेंडरी रोग आते हैं उनको, जैसे गजेंद्र पाल सिंह जी का कहना साहब, ये छोटा बच्चा था तभी इसने प्रूव कर दिया कि मेरे पास क्वालिटी है। और हम लोग इसको ब्रीड और रखना इसीलिए चाहते हैं कि ये मारवाड़ी में मेरे हिसाब से क्वालिटी में बहुत अच्छा है, जिसको हम टाइप बोलते हैं, टाइप में ये बहुत अच्छा घोड़ा है। ये आप देखेंगे काला और सफ़ेद है, इसको हम लोग हमारे टाउन में बोलते हैं अबलक, ये काला अबलक बोलते हैं इसको। ये आपको मैं बताऊं, अकबर ने इस कलर को इजाद किया था, उसको सेरेमनी में, उनको सेरेमनी में चाहिए था ये हॉर्स, तो उन्होंने इस कलर को बना के, पहले नुकरे यूज़ करते थे एल्बिनोस, उस पर जो भी आप सामान लगाओ लाल रंग का ब्लू रंग का, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं घोड़ा ही ऐसा पेंटेड बना दे ताकि उसमें सामान कम और ओरिजिनलिटी ज़्यादा आ जाए। और अकबर के सन शाहजहाँ को पेंटिंग्स में, ओल्ड पेंटिंग्स में आप देखेंगे इस कलर के घोड़ों को राइड करते हुए। ये पैलेस में जो राजतिलक राजसिंगार, राजसिंगार की 4th जनरेशन है, इसमें इसका सायर था सिद्धराज और उसका ग्रैंड सायर था राजतिलक और उसका ग्रेट ग्रैंड सायर राजसिंगार फोरना से आया था, फोरना से उदयपुर पैलेस में श्री जी ले पधारे, उसका ये 4th जनरेशन है। अभी ये स्टैलियन हम यूज़ कर रहे हैं, बच्चे दे रहा है ये, हमारे देखो हमारे हाथ में नहीं है, भगवान देता है, पर आई वॉन्टेड ए वेरी क्लासिक हॉर्स। इसमें आप फीचर्स मारवाड़ी में, इसके ईयर्स देखो, फेस देखो, नेक देखो, इसकी लेंथ देखो, इसकी जो प्रोफाइल है, ये मैं ये मानता हूँ बहुत क्लासिक घोड़ा है, वेरी हाई इन पेडिग्री, क्वालिटी में हम ऊंचा मानते हैं, अब लोग तो पता नहीं क्या मानते हैं। बैठो 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 बैठो। तो सर आगे क्या फ्यूचर है इसका? हाँ, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक्चुअली अगर आप घोड़े को देखो, आज घोड़े बिगड़ क्यों रहे, हमने इनको स्टेबल कर दिए, तो हम घास में क्या दे सकते हैं, 3 तरह की घास 4 तरह की घास, वो भी बहुत मुश्किल है। लोग बाग मूंगफली का टाला डाल देते हैं साल भर, या वो वीट का जो आता है बाण, अपने सूखला बोलते हैं उसको, उससे इसको प्रॉब्लम होती है। अगर इसको घोड़े को आप सुबह छोड़ दें और आप पास लैंड हो, तो ये कम से कम 10 से 20 किलोमीटर वॉक करेगा और नीचे मुँह करके ग्रेज करता हुआ चलेगा, 1000 चीज़ खाएगा, तब ये अभी अपन ने स्टेबल करने की वजह से, ये मैं ये मानता हूँ इस घोड़े की जो पोटेंशियल है उसका 25% भी नहीं है ये, क्योंकि अपन ने इसको कन्फाइन कर दिया टू फीड एंड टू एरिया, वो इनको ये वर्किंग एनिमल है, इसको 20 किलोमीटर तो बच्चा है, इसके लिए डिस्टेंस कोई डिस्टेंस नहीं है, और यहाँ 1 किलोमीटर चलाना भी अपन समझते बहुत काम दे दिया। और घोड़ों को अगर आप देखें, तो घोड़ों को मैं ये बोलता हूँ, सबसे पहले कान चाहिए, सेकेंड इनको अच्छा पानी चाहिए, थर्ड इनको अच्छा घास चाहिए, फोर्थ इनकी अच्छी सफाई चाहिए, फिफ्थ इनकी अच्छी ग्रूमिंग चाहिए, और सिक्स्थ पे आता है दाना। तो है ये रिवर्स, सिक्स्थ वाला आइटम सबसे ऊपर है, पूरा बकेट भर के दाना डाल दिया, दिन में 3 बार घोड़ा हो गया कंप्लीट, उससे इनके पैर, इनके जॉइंट्स, इनके लिगामेंट सब खराब हो जाते हैं और एज नहीं करते घोड़े, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते। ये राजनगीना है, गजेंद्र पाल सिंह जी पोसाना का ब्रीड किया हुआ है, इसका सायर है दिलबाग, दिलबाग का पहला बच्चा है, इसके छोटे भाई रणिया में खड़ा है, देवराज और भी काफ़ी हुए, पर ये फर्स्ट कोल्ट है,
गजबना के घर के पैदा हुआ हुआ पोसाना की ब्रीड है, और उन्हीं की घोड़ी एलिशा जिसकी कि आप 5-7-10 पीढ़ी उनके घर पे थी, और ये उन्हीं की ताकत है। ये कंट्री का अमंग द बेस्ट 10 स्टैलियंस में इसका नंबर मानते हैं हम, और इस अ वेरी फाइन प्रोड्यूसर। इसकी बच्चियाँ देखो, इसके बच्चे देखो, बोन में, लेंथ में, तेजाई में बहुत देता है। वी आर फॉर्चुनेट एंड लक्की कि गजबना ने हमको घर समझ के ये गिफ्ट किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनके परिवार को ऐसी ऐसी चीज़ हमको दी। ये उन्हीं का है, हमारा तो क्या है, मैं तो केयर टेकर हूँ, और हमारे बिल्कुल इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स, मेरे मेंटर भी हैं वो। तो गजबना की मेहनत बहुत है, और इसका नाना, इसको यहाँ लाने का मेरा एक रीज़न था। इसका जो मैटरनल ग्रैंडफादर है वो मेरे यहाँ रहा, और वो बहुत स्ट्रांग घोड़ा था। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट टेक गॉड फिलीज एंड कोल्ड बाई हिम, तो फिर ये डिसाइड किया कि साहब ये उसका ग्रैंड, इसकी बच्ची का बच्चा है तो कुछ अपने को मिल जाए। और इसने मेरे को तो, मैं दिल से, हम लोग स्टाफ, हमारे फैमिली सब सेटिस्फाइड हैं कि कोई कमी नहीं है इनमें। और गजेंद्रपाल सिंह जी को धन्यवाद है, उन्होंने 10 जनरेशन, अभी अपन ब्रीडिंग में बात कर रहे थे, 32-64, उनके पास इसकी 10 पीढ़ी का स्टैलियन सायर, दोनों साइड का सायर एंड डैम साइड का रिकॉर्ड है उनका। बहुत बहुत प्रिसाइज और बहुत हार्ड वर्क उन्होंने इस ब्रीड को सुधारने के लिए किया है उन्होंने। देन ही हैज़ वर्कड हार्ड फॉर सोसाइटीज ऑल्सो, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मारवाड़ी सोसाइटी के, और उनके ये दिल के करीब है साहब। मैं आनंद सिंह राठौर फतेह स्टड फार्म केलवा से बोल रहा हूँ। ये हमारे मैनेजर हैं भूर सिंह जी, वो हमारे घोड़ों संभालने वाले गोर्धन हैं, फिर डूंगर सिंह जी हैं, फिर नारायण है, फिर चंदू है, इन लोगों के, और कुछ लेडीज़ यहाँ बाग में काम करती है हमारे, इनके घास काटना वगैरह। आई एम थैंकफुल टू देम, आई एम थैंकफुल टू माई डॉक्टर्स, पुरोहित साहब हैं, अरोड़ा साहब हैं, इधर हमारे गोविंद सिंह जी हैं, फिर जयपुर के हमारे उदय बना है, तो वो लोग मेडिसिन साइड से इनको संभालते हैं। एंड आई एम अगेन थैंकफुल जिन्होंने इसको ब्रीड किया, गजेंद्रपाल सिंह जी, हिज फादर, दे आर लेजेंडरी पीपल। वो हॉर्स वर्ल्ड जालौर से आते हैं, उनको जो नॉलेज है, दे आर एट पार विद एवरीथिंग। मैं आपको बताऊं, इसकी 6-7-10 पीढ़ी सायर साइड और डैम साइड दोनों उनके पास विद फोटोग्राफ्स, दिस इज रिक्वायर्ड इन ब्रीडिंग। सो एज मी आप देखें तो वी आर जस्ट केयर टेकर्स, पर जो उन्होंने मसाला बना के दिया, ब्रीड करके समझ के दिया हमारे को, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। देन आई एम अगेन लाइफ मेंबर एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर इन ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी जोधपुर, जहाँ जोधपुर रिजाइनस गज सिंह साहब सेकंड इज़ द पेट्रन। उनका बहुत बड़ा एफर्ट है, उन्होंने 2002 में इनके फिनोटाइपिक कैरेक्टर, उसके कान कितना होगा, हेड की लेंथ कितनी होगी, लेग कितनी होगी, लेंथ हाइट सब डिफाइंड कर दिए। सो इट्स वेरी इजी फिनोटाइप से हमको जज करने में। देन फॉर्चुनेटली एल्डर्स के प्रमोशन की वजह से मैं आपके पंजाब मुक्सर में, जोधपुर शो में, चैत्री शो में मेरे को भी कभी कभी जज करने के लिए देते हैं, तो वी आर फॉर्चुनेट। मैं आपको अगेन धन्यवाद देते हुए आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल द हॉर्स वर्ल्ड पीपल, जो छोटे से छोटा आदमी घोड़े से जुड़ा हुआ है और जो बड़े से बड़ा जुड़ा हुआ है, हम लोगों से जो सीखना चाहे, मिलना चाहे, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर द ब्रीड। हमारा, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, दिस इज़ नॉट आवर बिजनेस, हमारे पास दूसरे बिजनेसेस हैं, तो हम इसको पैशन की तरह करते हैं, और वी वांट कि इसका प्रमोशन अच्छा हो, ब्रीड स्टैब्लिश हो। दिस इज़ अ वर्ल्ड क्लास ब्रीड आई वुड से, और ये मैं तारीफ नहीं करूँ, ये स्टैलियन देख लें आप, रूप को देख लें, दीज आर अमंग द बेस्ट कंट्री बेस्ट बेस्ट स्टैलियंस में से इनका नंबर आता है। कार्तिक जी आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आपके ये YouTube जो चैनल है स्कूबर, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, ये दिन रात चौगुनी बढ़े। वी आर थैंकफुल एंड वी आर ग्लैड कि आप जैसे क्वालिटी वाले लोग मारवाड़ी को प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों पे आपका एहसान ज़िंदगी भर रहेगा। सो काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, बीइंग नॉट वेल यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। होप आपको मारवाड़ी वर्ल्ड के अच्छे अच्छे घोड़ों शूट करने मिले। थैंक यू सर, थैंक यू।